हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हमने पनीर लिया है और पनीर को इस तरह से हम ग्रेट कर रहे हैं पालक की सब्ज़ी में। आप जब भी सर्व करें तो इसी तरह से ग्रेट करके इस सब्ज़ी को सर्व करें। देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में काफ़ी बेहतरीन। आज हमने बनाई है पालक की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं हम। यहाँ पर हमने एक पालक का बंच लिया है, जिसको अच्छे से हमने साफ करके कई बार धो लिया है। अभी पानी में इसको हम थोड़ा सा ही ब्लीच करेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट तक ही हम इसको इसमें ढककर रख देंगे। हल्का से हमें इसको ब्लीच करना है। यहाँ पे कट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये हो चुका है ब्लीच, अब हम इसको बंद कर देते हैं गैस को और छलनी की सहायता से पालक को इसमें से निकाल लेते हैं। गरम है इसलिए हाथ नहीं लगाएंगे, और इस तरह से हमने पालक को निकाल लेना है। इसका पानी निकलने देंगे और एक प्लेट में इसको डालकर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमने आज ये पालक की सब्ज़ी बनाई है और बहुत ही टेस्टी लगती है, पनीर को भी टक्कर देने वाली है। यहाँ पर 1 आलू, 1 टमाटर और 2 छोटी प्याज है, इसलिए 2 ली है। अगर बड़ी हो तो आप 1 ही प्याज ले। आलू को इस तरह से कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इस तरह से जब आप पालक की सब्ज़ी बनाएंगे बहुत ही कमाल की और बेहतरीन बनेगी। अभी आप देख सकते हो हमने छोटे छोटे इसके पीसेस कर लिए हैं। अब इसको एक कटोरी में रख लेते हैं। यहीं पर प्याज को भी हमें कट कर लेना है हल्का सा, इस तरह से ही। ये हम तड़का लगाने के लिए प्याज काट रहे हैं। अगर बड़ी प्याज है तो आप 1 ही ले। यहाँ पे मेरे पास छोटी प्याज थी इसलिए मैंने 2 का प्रयोग किया है। इस तरह से रफली चॉप कर लेना है, क्योंकि हल्की सी जब ये थोड़ा मोटी रहती है तो मुंह में जाती है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। सारे प्याज को ऐसे कट कर लेंगे। ये पीछे का हिस्सा थोड़ा निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता अच्छे से। अब इसको भी इस तरह से ही कट कर लेंगे, और बचा हुआ जो ये पीस है इसको साइड में रख के इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पे हमारी प्याज भी अच्छे से कट हो चुकी है। अब इसको भी एक कटोरी में यहाँ पे रख लेंगे हम, साइड में रख देना है इसको भी। अब ये जो टमाटर बचा हुआ है इसको भी हमने कट कर लेना है, और इसका बीच का ये थोड़ा सा जो हरा भाग होता है उसको निकाल लेंगे, और टमाटर को भी इस तरह से ही हमें चॉप कर लेना है, और इसको भी एक हम ऐसे ही बाउल में निकाल कर रख लेंगे। बहुत ही कम सामान में हमारी बनने वाली ये पालक की सब्ज़ी है और झट से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। पनीर की सब्ज़ी भी इसके आगे फीकी लगती है। अभी एक कटोरी में इसको भी इस तरह से निकाल लेंगे। निकाल कर इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो पालक है वो भी ठंडा हो चुका है। इसमें 1 कप के करीब हमने पानी डाला है, और इस तरह से इतना बारीक हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। अभी चलो तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच ऑयल लिया था। ऑयल गर्म होने के बाद जो हमारा वो आलू है जिसको हमने कट करके रखा था, इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है, इतना ही हमें इसे फ्राई करना है, और इसको निकाल लेंगे साइड में। सभी को निकाल लेना है, और इसी में हम अपनी सब्ज़ी भी बनाएंगे। यहाँ पर हमारे टमाटर वो आलू फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। 1 स्पून जीरा, थोड़े से हमने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं, 1 दालचीनी, 4 काली मिर्च और 4-5 हमने लौंग ली हैं। इनको अच्छे से चटकने देंगे। कलर आप देख सकते हो चेंज हो गया था, तब हमने इसमें 1 प्याज, जो प्याज हमने चॉप करके रखी थी उसको डाल दिया है। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है।
अब इसको हल्का सा भून लेंगे। पहले से कलर आप देख सकते हो चेंज हो चुका है प्याज का। अब यहाँ पे हम डालेंगे सारे मसाले। हाफ स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ स्पून देगी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और यहाँ पे जाएगा नमक आधा चम्मच के करीब, क्योंकि पालक में कम ही नमक डलता है, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसको अच्छे से भुनने देंगे और थोड़ा सा जाएगा यहाँ पे गरम मसाला। गरम मसाले से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। आप देख सकते हो प्याज अच्छे से भुन चुकी है, ऑयल दिखने लगा है। अभी जो हमने अपना पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो पेस्ट बचा हुआ है उसमें लगा हुआ है जार में, वो जार में से निकल जाएगा इस तरह से। और इसको करीब 7 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे मीडियम आंच पर। अब इसको हमने डाल दिया है, हाफ कप के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है और अच्छे से इसको मिक्स करके बॉईल होने देंगे इसको अच्छे से। बॉईल हो चुकी है, अभी थोड़ा जो हमने आलू लिए थे हम उसको इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर 5 मिनट के करीब फिर हम इसको बॉईल करेंगे अच्छे से। और जो हमने एक टमाटर डाल लिया था उसको हमें यहाँ पे डालना है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से बनाते हैं। तो अभी थोड़ी देर हम इसको ढककर छोड़ देते हैं और इसको बीच बीच में चलाते रहना है। अभी आप देख सकते हो पहले से कम हो गया है हमारा। और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा धनिया पत्ता, भाप काफ़ी आ रही है इसलिए इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कलर भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है और काफ़ी अच्छी खुशबू उठी हुई है, बहुत ही टेस्टी और कमाल की इस तरह से हमारी पालक की सब्ज़ी बनकर तैयार होएगी, वाओ। अभी यहाँ पे हमने इसमें क्रीम ऐड की है, आप चाहे आपके पास क्रीम हो तो वो डालें और नहीं तो आप इसमें थोड़ा मलाई लेकर फ्रेश उसको फैट कर उसको भी डाल सकते हैं। इससे क्या है इसका टेक्सचर काफ़ी चेंज हो जाता है, आप देख सकते हो डलते ही कलर में काफ़ी अंतर आया है और बहुत ही काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। अभी यहाँ हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाएंगे हम देसी घी से, ढाबे या आप रेस्टोरेंट में खाएंगे तो इसी तरह से बनाते हैं। और यहाँ पे 1 स्पून जाएगा जीरा और 5 हमने लाल मिर्च ली है उसको डाल देंगे। इसका तड़का से बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। इसको हल्का सा भून लेंगे इन सबको। आप देख सकते हो पहले से कलर चेंज हो रहा है, हल्के से इस तरह से भून लेना है। थोड़ा कलर चेंज होने के बाद ही हम इसको अपने साग के अंदर डालेंगे, पालक के अंदर, वाओ। अभी इसमें थोड़ा सा इस तरह से हमारा तड़का तैयार हो गया है। अभी अपनी कढ़ाई को रख के इसमें डाल के और ढक देंगे। इसकी खुशबू बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम चाह रहे हैं। वाओ, अच्छे से तड़का लग चुका है और तड़का लगने के बाद बहुत ही कमाल का बन चुका है हमारा ये पालक का साग। इस तरह से आप भी बनाएं और इन्जॉय कीजिए। आप देख सकते हो कितना टेस्टी और लाजवाब बना है। अगर आप यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वाओ, आप देख सकते हो कितने कमाल की हमारी पालक की सब्ज़ी बनी है, बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।